Welcome to MCPS online class. How are you? हमने चैप्टर 2 का लॉन्ग एंड शॉर्ट का पेज नंबर 13 क्लियर हो गया था, एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए था आपको और आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपके रूलर यानी स्केल कैसे यूज किया जाता है. चैप्टर 13 में ये बताया था. अब हम पेज नंबर 14 देखेंगे, द शॉर्टर लाइन. टॉपिक का नाम है द शॉर्टर लाइन. शॉर्टर का मतलब समझते हैं, छोटा, शॉर्ट. ये देखिए, ये शॉर्टर, ये लॉन्ग. अब इधर को दो है लेकिन ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट. इसका मेजरमेंट इसकी हाइट से मालूम चल जाता है कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है. वैसे आप समझदार हैं, समझ जाएंगे जल्दी कि कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग. चलिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुक ओपन करिएगा. अब देखिए, अकबर वाज अ फेमस किंग. अकबर बादशाह का नाम सुना है, द ग्रेट अकबर, है ना, मुगल बादशाह था. ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. उसका एक मंत्री था जो बीरबल के नाम से जाना जाता, बहुत क्लेवर, बहुत इंटेलिजेंट. ही फ्यू मिनट्स में आंसर देना, है ना. वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर. अकबर ने एक बार क्या कहा, फिर बीरबल का हर पल वो एग्जाम देते रहते थे बीरबल का, है ना, और बीरबल हाजिर जवाब था, फौरन आंसर दे देता. एक दिन बैठे बैठे अकबर ने क्या करा, अकबर ने क्या करा, अकबर ने फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, फर्श के ऊपर एक लाइन खींची, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींची. और उसके बाद अकबर ने क्या कहा बीरबल को, बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक यू शॉर्ट विदाउट इरेजिंग. अकबर ने कहा बीरबल मैंने एक लाइन फर्श पे बनाई, बिना इरेज किए तुम इसे छोटी करके बताओ. उसने क्या कहा, अकबर ने क्या कहा, मैंने एक फर्श पे लाइन बनाई है, उसे बिना इरेज के एक छोटी लाइन, इसे छोटी लाइन कर दो. नाउ योर लाइन इज शॉर्ट. अब बताओ उसने शॉर्ट लाइन कैसे बन गई. अकबर ने तो उसके सामने क्वेश्चन रख दिया कि इसको हाथ ही नहीं लगाना है, इसको इरेज भी नहीं करना है और इसको छोटा करके बताओ. बताइए, समझ में आया कुछ. बीरबल ने क्या करा, फर्श पे सिट हुआ और उसने क्या करा, उसी के पास में एक इससे लंबी लाइन खींच ली. उसने क्या करा, फर्श पर इससे लंबी लाइन खींच दी. अब बताइए अकबर की लाइन शॉर्ट हुई या नॉ. तो अकबर की लाइन हो गई शॉर्टर और बीरबल की लाइन हो गई लॉन्गर. तो बिना इरेज किए, बिना हाथ लगाए अकबर की लाइन को उसने शॉर्ट कर लिया, ठीक है. अब बताइए, लुक एट द पिक्चर एंड एग्जांपल हाउ बीरबल में अकबर लाइन, उसने कैसे बनाई, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, इसका क्वेश्चन ये था. अब लीजिए आपके क्वेश्चन में ट्राई दिस, कोशिश करो. इसमें भी आपको स्केल यूज करना है और इसमें भी सेंटीमीटर के बारे में सारा बताया गया है. अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म. वो कह रही है कि एक गुड़िया है, एक गुड़िया बनाइए, सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग यानी लंबा होना चाहिए 1 सेंटीमीटर. तो अब जो ये हैंड बनाया है, मैं यहाँ पर ऐसे ही आपको मेजर कर रही हूँ, आपको बुक में से मेजर करके अच्छे से काम करना है. ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. अब देखिए, इसका मेजर कर दिया मैंने 10. मेरा ये वाला हैंड जो इस गुड़िया का है वो 10 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग करना है. तो इसको मैं 1 सेंटीमीटर लॉन्ग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 + 1 एडिशन.
देखो इसमें एडिशन भी आ गया ना, 10+1 यानी कि 11, मुझे 11 सेंटीमीटर का ये वाला हैंड बनाना है, तो मैं 11 सेंटीमीटर का ये हैंड बना लूंगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों में से लॉन्ग लॉन्ग आर्म कौन सा हुआ, तो राइट आर्म लॉन्ग होगा और लेफ्ट शॉर्ट होगा। ओके, समझ में आ गया, यानी कि इस हैंड से 1 सेंटीमीटर मोर बनाना है, तो ये अगर 10 है तो आपका 10+1 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको इसी तरह से रफ वर्क करना है साइड में। अब सेकंड है, ड्रो अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द कप। अब यहां पर एक कप की फोटो दे रखी है, ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जो ये कप का मेजरमेंट है उससे उसका 1 सेंटीमीटर छोटा बनाना है, शॉर्ट बनाना है, यानी कि माइनस। अब मैं इस कप की लेंथ कितनी है, इस कप की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो मुझे 9 में से 1 है तो 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर मुझे कप बनाना है। तो आप 8 सेंटीमीटर की पहले लेंथ ले लेंगे, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मुझे लेस करके बनाना था, तो 8 सेंटीमीटर, तो ये इन्होंने लॉन्गर दे दिया था आपको बुक में और आपने आंसर निकाला शॉर्टर था। ओके, 9 में से 1 माइनस करके 8 सेंटीमीटर का आपको कप बनाना है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्रुप हाफ एज लॉन्ग एज दिस ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है झाड़ू, ये कह रहे हैं कि हमने एक झाड़ू बना के आपको दी, मैं यहाँ छोटी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल छोटा है, ये ग्रुप। अब वो कह रहे हैं जो ये ग्रुप की लेंथ है उसकी हाफ लेंथ में आपको दूसरी ग्रुप बनानी है, तो पहले हम इस ग्रुप को देखेंगे कि ये ग्रुप कितने सेंटीमीटर की है, वैसे मेरे यहां तो ज्यादा होगी लेकिन आपके बुक में शायद 5 सेंटीमीटर। जो बुक में दे रखी है ब्रूम यानी झाड़ू, मैं आपको फिर बता रही हूँ, अब ये कह रहे हैं इस ब्रूम की जो झाड़ू 5 सेंटीमीटर है इसको हमें हाफ में करना है, तो हाफ कैसे होगा, 5/2 हाफ करना है। अब हम इसको हाफ कैसे करेंगे, अब इसमें आ जाएगा डिवाइड, ये देखिए 5, 2, 2 2 4, 5 में से 4 गया तो ये माइनस होता है डिवाइड में ना, 5 में से 4 गया तो 1 से बिग नंबर है 2, इसलिए 2 में 1 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगाकर यहाँ 0 को देंगे। अब 2 में 10 कितनी बार आएगा, 2 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ये हो गया 10, तो कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर की हमने ग्रुप बनानी है, 2.5 यानी 2.5 की ग्रुप बनाएंगे तो हम ये 2.5 ये ग्रुप बन गई 2.5 का हमने ये छोटा सा ग्रुप बनाया 5 का हाफ, तो ठीक है 5 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा 2.5 cm। ओके, समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन मैं साइड में देखूंगी, ऐसा नहीं कि मैंने आंसर लिख दिया 2.5 आपने भी लिख दिया डायरेक्ट फिलअप कर दिया, क्वेश्चन लिखा आंसर कर दिया 2.5 नहीं, और आप इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ भी करोगे, कप को भी करोगे, वो जो मैंने डॉल बनाई थी उसे भी करोगे, ग्रूम को भी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। इसमें क्या एक फोटो दे रखी है,
ये इस तरह से और एक छोटा सा हेयर दे रखा है। अब आपको इसकी हेयर की लेंथ मेजर करनी है किससे, स्केल से। ओके, स्केल से इसकी मेजर लेंथ करेंगे तो इसकी मेजर की लेंथ होगी 0.5 यानी हाफ इंच आधी। ओके, अब आप ये कह रहे जस्ट इसकी डबल हेयर करो तो इसकी डबल आप 1 cm करेंगे। 1 cm यानी 1 cm, 1 cm यानी 1 cm तो कितना हो जाएगा 1 cm, जस्ट डबल होगी। अब जस्ट डबल में आपको वही एडिशन ऐड करना, 0.5 प्लस 5 और 5 10 10 में ये पॉइंट एक के बाद लगेगा तो 2 है ये पॉइंट, तो क्या हो गया 1 cm। ओके, 1 cm का एक हेयर आपको बनाना है, इसी तरह से ग्रो करना है, सॉल्यूशन करना है और फिर वर्क करना है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैं आपका सॉल्यूशन देखूंगी नोटबुक में। सितंबर 1 से आपके सब सॉल्यूशन नोटबुक में डेट लगी हुई, बिल्कुल प्रिपेयर, बढ़िया, अच्छा सा नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए नोटबुक में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 15, ये नेक्स्ट डे करवाऊंगी मैं, अभी मैंने आपको इतना वर्क दे दिया, इसका पीडीएफ भी बना के आपको भेज दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।